हेलो दोस्तों, ये वाला 17 वाट का एलईडी है, HPL का। ये देखो 15 वाट का HPL एलईडी। इसमें जो ये ड्राइवर वाला एलईडी बल्ब है, इसमें जो कैपेसिटर चार्ज हो गया, इस पहले उसको डिस्चार्ज करना है। दोस्तों पहले सीरीज में देखे ये वाला ड्राइवर से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वाला पहले देखने पड़ेगा। तो मल्टीमीटर को 200 का रेंज में रखने पड़ेगा डीसी। देखो वोल्टेज आ रहा है, एकदम वोल्टेज ड्रॉप होके आ रहा है, 2.5 वोल्ट आ रहा है। दोस्तों ये वाला जो वायर था वो वाला काट दिया है मैंने, ये वाला दो स्क्रू खोलना पड़ेगा। ये वाला दो स्क्रू खोल दिया है, खोल के ये वाला इसको। एल्युमिनियम प्लेट को निकाल दिया है इसमें से, ये वाला सोल्डिंग को हटाने पड़ेगा। दोस्तों ये वाला इस एलईडी लाइट का ड्राइवर है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला पूरा जल गया है। ये वाला लाइट भी खराब हो गया है, ये वाला एक खराब हो गया, ये वाला एक खराब हो गया, ये वाला ड्राइवर जो है ये वाला खराब हो गया है। तो इसके बदले में हम ये वाला डीओ भी लगा सकता है, ये भी 15 वाट का है, ये भी 15 वाट का है। और ये भी 15 वाट का है, ऐसा डीओ भी 15 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट ऐसे मिलता है। ये जो सिल्वर के सिल्वर वाला प्लेट है, इसमें लगा के स्क्रू से टाइट करने पड़ेगा। ये वाला एक होल है, स्क्रू का होल है, ये वाला बल्ब में कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ। होल बना लिया है, देखो
शॉर्ट हुआ है, ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसमें भी काला हो गया, पूरा गल गया है। इसमें ये वाला दो वायर अंदर में डाल देगा, ये वाला होल से ये वाला वायर को निकाल दिया। इसमें अब सोल्डिंग करने पड़ेगा। अच्छा तरीका से जो एक्स्ट्रा वायर है ये वाला कैसी से काट देगा, बस हो गया। और ये वाला सिल्वर वाला जो प्लेट है चाप के लगा देना पड़ेगा। और ये वाला जो दो स्क्रू से इसमें एक पॉइंट इसमें जोड़ देने पड़ेगा। पहले हीट सिंक जो कंपाउंड है ये वाला लगाने पड़ेगा। ऐसे छोटा डब्बा 10-15 रुपया के मिल जाता है मार्केट से। ये वाला हीटसिंक जो कंपाउंड है ये वाला लगा दिया है। जब हीटसिंक कंपाउंड लगा तो अच्छा करके लगाने पड़ेगा। ये वाला दो जो नाट है बढ़िया से कस देने पड़ेगा।
पेचकस से पूरा लगा दिया है, टाइट से हीट सिंक प्लेट के ऊपर लगा दिया है। अब ये दो जो वायर है ये वाला जो लाइन के पॉइंट देख रहे हो, लाइन के ये न्यूट्रल, इस वाला लाइन, इस वाला न्यूट्रल, और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है सेम पॉइंट है। ये वाला दोनों लाइन का है, इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो। और ये वाला दो पॉइंट एक है, इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो, दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। वाला न्यूट्रल, ये वाला जो रेड वाला है लाइन, कनेक्शन हो गया। ब्राइटनेस अच्छा है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एमओवी लगाने से ये ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा ये लाइट। अब ब्राइटनेस भी अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा दिन भी लास्टिंग करेगा। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस कैपेसिटर एमओवी लगाने से अगर ओवर वोल्टेज आ जाएगा तो रेजिस्टेंस या एमओवी खराब हो गई, ये वाला बच जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए एमओवी रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट देखिए भी अभी चला नहीं सकते हो, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।